क्या गलत है, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? हम सलाहें मशवरे बहुत देते हैं एक दूसरे को। अगर हम बिजनेस की बात करें तो सीनियर मैनेजर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, सीनियर मैनेजर्स नहीं बल्कि मैनेजर्स को भी ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, नॉन मार्केट फोर्सेस क्या है। बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो लास्ट स्टेज पे पहुंच पाते हैं, जो ये बताती है एथिक्स की कि हाँ आप जो कर रहे हो वो एकदम और एकदम सही है। ज़्यादातर मैनेजर्स जो हैं वो एक ऐसे जोन में होते हैं, वो इस वजह से एथिक्स फॉलो करते हैं बिजनेस में या कंपनी में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा या फिर उनके परफॉर्मेंस को देख के जज करके उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में वो मैनेजर्स आते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं पहले कैटेगरी से, जिसमें मैनेजर्स क्यों ऐसा बिहेव करते हैं एथिक्स के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उनका फैमिली प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, उन्हें बहुत से अच्छे रिलेशनशिप बनाने होते हैं और हाँ उन्हें सबके आंखों में ये एक ऐसी छवि बनानी होती है कि हाँ बहुत अच्छे हैं, गुड 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 पर्सन इमेज। और सबसे कम नीचे वाली कैटेगरी यानी कि कुछ ऐसे चंद मैनेजर्स हैं जो जानते हैं, जिन्हें ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमेशा वो जस्टिस को सीख करते हैं और जो चीज़ सही है उसको सही कहने का डेयरिंग होते हैं। अब ये बात आती है कि जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि हमें इस बिजनेस में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टोबैको की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं एथिक्स में जो लगते हैं। एथिक्स का मतलब सिर्फ कुछ छोटा सा नहीं, एथिक्स का मतलब बहुत बड़ा है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी आती है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा लॉज आते हैं, एथिक्स आती है। अगर कोई भी कंपनी या बिजनेस इन चीज़ों पर काम कर रही है जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और लॉ है तो उसको डिसीजन लेने में इतनी आसानी नहीं होगी, या फिर वो कंपनी ले लो जिसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और एथिक्स है लॉ नहीं है तो भी वो कंपनी अच्छी तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएगी और डिसीजंस और एक्शंस नहीं ले पाएगी। एमएसएमएस कंपनी के जहाँ पे तीनों फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, लॉ, प्रॉफिटेबिलिटी और एथिक्स, तो तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे एथिक्स पे अगर हम देखें तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके हिसाब से हम निर्धारित करते हैं हमें कैसे करना है, क्या करना है, किन किन सर्कमस्टांसेस में करना है। देखो एथिक्स सिर्फ इतना सा नहीं है कि हाँ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें एक दायरा सेट है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क? लॉ और एथिक्स का। हमें इसी दायरे के अंदर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस करना है, हमें स्टेक होल्डर्स को देखना है, हमें कंज्यूमर्स को देखना है, हमें वेंडर्स को देखना है, हमें सप्लायर्स को देखना है, उसके अलावा हमें इंस्टीट्यूशंस को भी देखना है जो इस चीज में इन्वॉल्व है, जैसे बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा वो भी इंस्टीट्यूशंस जो लीगल फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, ऑर्डर्स पास करते हैं, लॉज बनाते हैं उस चीज़ में बिजनेस में उतरने के लिए। जैसे मैं टोबैको की बात करती हूँ, आज कोई आप में से डिसाइड करता है कि मुझे टोबैको के बिजनेस में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, देखिए इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को संज्ञान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इश्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम है टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग से या टोबैको को बेचने से। तो इश्यू में हमें पता चलता है कि कैंसर कॉजिंग है, इससे हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, अगर हम स्मोक करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम हो सकता है, अगर हम प्रेगनेंट लेडीज को लें तो जाहिर सी बात है उनका जो बच्चा होता है वो प्रीमैच्योर अबॉर्शन हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी कैंसर है, सिर्फ लंग का कैंसर नहीं है, ओरल कैंसर है, फैरिंग्स का कैंसर है, ईसोफेगस का कैंसर है और ब्रोंकियल अस्थमा है, आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। 90% जो पुरुष हैं जिनको लंग कैंसर पाया गया है वो इस वजह से क्योंकि वो स्मोक करते हैं, स्मोक में टोबैको होता है, इसी एवज में 70-80% जो महिलाएं हैं उनको लंग कैंसर सिर्फ उसे स्मोक की वजह से हो रहा है। इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ये इश्यू को निर्धारित करती हैं, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें टोबैको के बिजनेस में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, तो दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कौन कौन इससे प्रभावित हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो उससे बेनिफिटेड भी हो रहे हैं और जिनको नुकसान भी हो रहा है, जैसे कंज्यूमर्स जो स्मोक कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स जो टोबैको की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारे मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो इसको बेनिफिट में उतार रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग
जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टोबैको की, वो सारे लेबर्स जो एक यूनिट में, कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है इस चीज से। तो इंटरेस्ट ग्रुप में सारे लोग आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और लोग आते हैं जैसे एनजीओस, इसके अलावा भी बहुत और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो थर्ड स्टेप में आते हैं। इंस्टीट्यूशंस में जैसे WHO है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो भारत में निर्धारित करता है टोबैको कंट्रोल के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस में ICMR है, इंस्टीट्यूशंस में मिनिस्ट्री ऑफ IB है जो ये निर्धारित करती है कि हमें किस तरीके के एक्ट्स दिखाने हैं टोबैको से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो हमें और आप लोगों को ये सिखाती है, बताती है टोबैको खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है कितना पैसा जा रहा है, कितनी लागत हो रही है, क्या कितना प्रोडक्ट की सेलिंग से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है क्योंकि वो फार्मर्स जो उसमें इन्वॉल्व है उसकी फार्मिंग में, उसका भी उसमें बहुत ज्यादा दायित्व है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व है, जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, हमें इश्यू को जो पहला स्टेप है, सेकंड हमें इंटरेस्ट ग्रुप्स को, कौन कौन उससे इफेक्ट हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, कौन उससे लूज कर रहा है, फिर इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में हमारा आता है कि उससे जो है वो फाइनल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है इन सबको पढ़ने के बाद, कि टोबैको ठीक है मान लिया कि हमें बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली। हमें इन्फॉर्मेशन तो यही मिलेगा कि अगर हम टोबैको के बिजनेस में उतरते हैं तो इतने इतने नुकसान हैं। हमारे यहाँ भारत में जो एक तंबाकू का डब्बा बिकता है उसके पहले फ्रंट साइड में जो है जो वार्निंग लिखी होती है कि इसको खाने से या ये खाने में हानिकारक है, वो सिर्फ 40% स्पेस को कवर करती है। जबकि अगर हम बाहर जाते हैं भारत से तो वहां पे जो टोबैको की वार्निंग है वो आगे भी होती है पीछे भी होती है, भारत में सिर्फ और सिर्फ आगे होती है तंबाकू के डिब्बे पे, तो वहां पे आगे और पीछे दोनों में होती है और वो भी 80% तक वो उस स्पेस को कवर करती है। हमें नेकेड आई से दिखती है, हम पढ़ सकते हैं, और खाने से पहले हमें एक तरह से अलर्ट, एक कॉशन मिल जाता है कि खाना है तो खा लो अपने रिस्क पे। इसके अलावा भी बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ और टेक्निकल एडवांसमेंट के बेसिस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस चीज में लगे हुए हैं। एथिक्स को समझने से पहले, टोबैको के बिजनेस में करने से पहले, जो मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको सोशल नॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको रिलीजियस बिलीव्स को उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या मान्यताएं हैं, फिलोसॉफिकल बिलीव्स भी हमें देखने पड़ेंगे, अपना कल्चर देखना पड़ेगा, किस रीजन से आप बिलोंग करते हो, आप जिस प्रोफेशन में हो वहां लोगों का क्या धारणा है, इसके अलावा आपकी खुद की क्या वैल्यूज है। अगर मैं वैल्यूज पे आऊँ तो आपने सुना होगा कि ये अमोरल है, ये इमोरल है, ये मॉरल है, तीनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर मैं इमोरल की बात करूँ, इमोरल वो मैनेजर्स या वो लोग होते हैं बिजनेस में जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें हम सेल्फिश भी बोल देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो भी करने वाले हैं अपने बिजनेस में या अपनी कंपनी में उसे दूसरों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिटेबिलिटी का सोचते हैं, वहां पे कोई फैक्टर नहीं है कि उनके प्रोडक्ट से बाहर क्या होने वाला है। दूसरे कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ए मॉडल। ये ऐसे लोग या ऐसे मैनेजर्स हैं जो अपनी कंपनी या बिजनेस में, जैसे टोबैको की बात कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि क्या लॉ है, क्या सोशल बिलीव्स है, क्या रिलीजियस बिलीव्स है, क्या कल्चरल बिलीव्स है, उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, तो वो अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं। वो भी सेल्फिश होते हैं लेकिन वो अनजाने में गलती कर बैठते हैं, उनको पता होता है कि हाँ प्रॉफिटेबिलिटी एक मोटिवेशन है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, तो वो गलती कर पाते ना चाहते हुए भी। और तीसरी और लास्ट कैटेगरी आती है मॉडल मैनेजर्स की, जिसमें हमें पता है, हमें सारी अवेयरनेस है, हम प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रख रहे हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स मिलने हैं, हमें पैसा कमाना है, लेकिन वो जो हम पैसा कमाने हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी करने वाले हैं, वो हमें एक दायरे में करना है। कौन सा दायरा है, वो लॉ और एथिक्स का दायरा। तो ये हमें समझना बहुत ही बहुत विचलित कर देता है कभी कभार कि मैं इस बिजनेस में उतरूं या नहीं उतरूं। टोबैको का बिजनेस में जब आपने ये सब देख लिए, सारे फैक्टर्स को पढ़ लिया, तब भी आपको ये नहीं पता होगा, या आप ठीक है जाके शास्त्र पढ़ सकते हैं, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं जहां से आपको और नॉलेज मिलेगी कि ऐसे जो एडिक्टिव चीजें हैं उनका सेवन करना सही है या गलत है, या किस हद तक सही या गलत है। तो एथिक्स जो है वो एक ये चीज आपको बताता है कि जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को माननीय हो, सिर्फ लोगों को ही नहीं, सोसाइटी को भी,
रिलीजियस लोग भी उस चीज को मान्यता दे, कल्चरल एथोस वैल्यूज भी उसको माने, मॉरल जो आपके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं उसको भी आप संज्ञान में रखते हुए आप उस चीज को माने कि हाँ ये जो स्टेप है वो सही है। उसके बाद फिलोसफिकल व्यूज जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे व्यूज हैं और वैल्यूज, ये वैल्यूज मॉरल चीजें जो हैं वो आप किस तरह से डेवलप करते हैं अपनी लाइफ में, कि आपको किस किस बेसिस पे डिसीशंस लेने हैं कि ये चीज सही है या गलत है आपकी लाइफ में। आप जिस प्रोफेशन में हो, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस कल्चर के हो, आप जिस रीजन में रहते हो, या जो फ्रेंड्स हैं आपके, फैमिलीज हैं या पीयर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, या कोई भी फिलोसफिकल व्यूज अगर आप उनको मानते हो जो आपके रिलीजन स्क्रिप्चर्स होती है, इन सारी चीजों से आपके व्यूज बनते हैं। हाँ, आप मॉरल वैल्यूज भी बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। लीडरशिप किसी भी रोल मॉडल को ले लो जिसको आप अडोर करते हो, हम उसको फॉलो करो, सोशलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, फ्रेंड्स बनाओ, पीयर्स में बातें करो अपने बॉस से, वो भी सोशलाइजेशन का जरिया है, उनसे भी आप वैल्यूज लेते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है अलग अलग स्क्रिप्चर्स को, तो वहां से भी आपको नॉलेज गेन होती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं एथिक्स के बारे में जानने के। लेकिन हाँ, लास्ट स्टेज तक पहुंचना और ये कहना कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो एथिकल है, देखो एथिक्स में और भी बहुत चीजें आ गई हैं आजकल। आजकल कोई कंपनी जो है वो अपने देश तक तो सीमित है नहीं, वो अपने देश के दायरे को छोटे ग्लोबल होती जा रही है। तो आज अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लॉज, एथिक्स, सोशल, रिलीजन, कल्चरल बिलीफ को सिर्फ मद्देनजर नहीं रखना है। जाहिर सी बात है, आप ग्रो करेंगे, आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, तो आपके दूसरे देशों के क्या कल्चरल वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या रिलीजियस व्यूज हैं, क्या फिलोसफिकल व्यूज हैं, उनको भी आपको मद्देनजर में रखना पड़ेगा। तो ये जो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि ये जो आप कर रहे हो गलत है, ये जो आप कर रहे हो वो सही है, हमें ये भी नहीं पता होता क्योंकि हमने शास्त्र तो पढ़े नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसको हम धर्म और दंड कहते हैं। बहुत बार हम कुछ ऐसी चीजें कह जाते हैं जो हम अवेयरनेस है ही नहीं जिसके बारे में हमें, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर रहे हैं दूसरे को कि मैं बताता हूँ आपको कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि उस स्टेज तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जो भी कुछ गिने चुने लोग उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जैसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ एथिक्स बोलते हैं, वो लोग चैलेंज करने लग जाते हैं, वो पोस्ट कन्वेंशनल नॉर्म्स के आगे की दुनिया है। वो लोग ये कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि सोसाइटी में रिलीजियस कल्चरल ये सारे व्यूज हैं, बट मेरे भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि वो बाकी पिछले स्टेजेस से होके गुजर के आए हैं। तो अब मैं वही करूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से या जो आपने नॉर्म्स बनाए हैं मुझे सूटेबल लगता है या नहीं लगता है। मुझे नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगा, चाहे मुझे जेल में भी भेज दो, मैं नहीं मानता ये सारी बातें। इसी तरह से जैसे छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम उन्हें बोलते हैं कि आपको ये करना है, वो नहीं करते हैं, तो कौन डिसाइड करता है कि अगर वो आपका कहना नहीं मानते हैं तो ये गलत बात है। धर्मों में और स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी ऐसा एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो हाँ, बच्चा क्यों करता है, आपका कहना क्यों मानता है? बच्चा डरा हुआ होता है, उसे लगता है कि कहीं अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने पेरेंट्स की तो मुझे पनिश किया जाएगा या मुझे किसी भी तरीके का रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। तो बच्चा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे जो है वो अपना डिसीजन लेता है, इंटेंशनली वो डिसाइड नहीं करता कि हाँ मुझे अपने बड़ों की बातें माननी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जब आप एथिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं, या आप मेरे पास आते हैं सेशंस में पूछते हैं मैनेजर से, सीनियर मैनेजर्स। तो इसके अलावा जैसे दूसरी स्टेज में जब हम बात करते हैं, हमें ये पता है कि हमें अपनी इमेज दिखानी है। कैसे इमेज? कि हाँ, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड गर्ल, तो वो एक अच्छा बनने का। और हाँ, हमें एक समाज से अप्रूवल भी चाहिए क्योंकि हम उनके बीच में रह रहे हैं, और हम जो अपने डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको मद्देनजर रखते हुए करने लगते हैं, और हाँ वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सेकेंड स्टेज में आता है। तो ये सारी चीजें भी बहुत बार निर्धारित करती हैं कि आप कितने एथिकल हो, और जो एथिकल हो या जो बिहेवियर शो कर रहे हो वो आप सच में बिलीव उसमें करते हो या आप दूसरों से अफेक्टेड होके कर रहे हो। और तीसरी स्टेज जो ये आती है, जिसमें जाहिर सी बात है बहुत ही कम गिने चुने लोग होते हैं, वो तो हाईएस्ट स्टेज है, और उसमें तो फिर आपके खुद के प्रिंसिपल्स बन जाते हैं क्योंकि आप पहले दो स्टेजेस से गुजर के आए होते हो। और अगर आप और जानने की कोशिश करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आइए और मेरे साथ एक सेशन बुक करिए। नंबर है 9311659252।
और आप टॉपिक लिख सकते हैं आपको किस चीज़ पे सेशन चाहिए मुझसे, व्हाट्सएप करिए और अपना सेशन जल्दी से जल्दी मेरे साथ बुक कराइए।